हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून वेलकम टू एनसीईआरटी लाइव इंटरैक्टिव सेशन दिस इज सिमरन सिंह एंड व्यूअर्स यू आर ऑल वाचिंग अस ऑन पीएमई विद्या चैनल नंबर 9 और यू कैन आल्सो कनेक्ट विद अस टू आवर यूट्यूब चैनल दैट यू ऑल नो इट्स एनसीईआरटी ऑफिशियल and for another half an hour we have a session of social science for class 9th students where we'll be discussing about a story it's the story of a village Palampur and it's the part 1 of this particular session and throughout our live interactive session if you have any of the queries feel free to write down to us in the comment section of NCERT official besides here is the contact number that is flashing on your screen so you may also give us a call at 8800440559 This particular session, that is the story of village Palampur, is particularly meant for class 9 students. But students from any other classes, if you have joined with us in the conversation, mention it in the comment section, which is the area that you like the most about the story. And as always, we are also joined by esteemed guest in our session. So let me introduce you to the guest of the day. Today we have with us Shri Shankar Prasad Saji. Namaskar, sir. Namaskar, madam. Namaskar. A very warm welcome in the session. Sir is a PGT Economics, serving at Kendriya Vidyalaya No. 2, Kolaba, has joined in from Mumbai. So if you have any of the queries, I hope sir would be more than happy to answer all your questions. So sir, in this particular session, what is the story that you are going to narrate to our viewers? Yeah. Thank you, madam. First of all, I would like to convey my love and affection and namaskar to all the viewers of PME Vidya Channel. Today, we are going to discuss about the story of village Palampur part 1 for 9th class students. Palampur is not a real village. It is a hypothetical or imaginary village. Actually, एक काल्पनिक गांव को लेकर उसके माध्यम से बच्चों को इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी देने का प्रयास इस चैप्टर के माध्यम से किया गया है पालमपुर एक ऐसा गांव है जो 3 किलोमीटर दूर रायगंज से है रायगंज एक बड़ा गांव है लार्ज विलेज है और उसी के आसपास में 1 किलोमीटर के अंतर्गत शाहपुर एक छोटा सा टाउन है ये रायगंज और शाहपुर ये दोनों पालमपुर से वेल कनेक्टेड हैं रोड के माध्यम से इतना ही नहीं पालमपुर में इरिगेशन फैसिलिटीज है इलेक्ट्रिसिटी है पालमपुर के गांव में लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में भी उसे यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल है जहां की वहां के बच्चे एजुकेशन प्राप्त करते हैं इतना ही नहीं वहां एक हेल्थ सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है जहां पर कि वहां के लोग चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि पालमपुर एक छोटा गांव तो है क्योंकि छोटा गांव इसलिए कि पालमपुर में टोटल देयर आर ओनली 450 फैमिलीज इसलिए उसको छोटा गांव हम कह सकते हैं लेकिन चूंकि सारे फैसिलिटीज हैं वहां पर यहां तक कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी है टांगा बैलगाड़ी कार जीप ट्रैक्टर्स लॉरीज इत्यादि वहां पर चलते हैं तो इसलिए वहाँ पर हॉस्पिटल भी है स्कूल भी है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है रोड की सुविधाएं भी हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वह छोटा गांव होने के साथ साथ पालमपुर एक विकसित गांव भी है डेवलप विलेज है आगे चलते हैं तो हम पाते हैं जैसा कि मैंने कहा कि पालमपुर में देयर आर ओनली 450 फैमिलीज आउट ऑफ 450 फैमिलीज 80 फैमिलीज आर ट्रीटेड अपर क्लास फैमिलीज ये अपर क्लास फैमिलीज क्यों ट्रीटेड किए जाते हैं क्योंकि दे आर मोस्टली लिविंग इन लार्ज हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड विद सीमेंट वो ब्रिक्स और सीमेंट के बड़े बड़े मकान में रहते हैं जैसा कि आप आसानी से पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं और जितनी भी सुविधाएं हैं बेसिक एमिनिटीज होती है वो सारी सुविधाओं को वो अवेल करते हैं आउट ऑफ 450 फैमिलीज 220 फैमिलीज आर ट्रीटेड एज मिडिल क्लास फैमिलीज दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट क्योंकि शेड्यूल कास्ट लोअर क्लास फैमिलीज में आ जाते हैं इसलिए और दे आर मोस्टली लिविंग इन स्मॉलर हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मड मिट्टी और ब्रिक्स के द्वारा मकान जो बनाए हुए हैं वो मिडिल क्लास फैमिली उसमें रहते हैं और करीब करीब
वन थर्ड जितने फैमिलीज वहाँ रहते हैं पालमपुर में 450 फैमिलीज के, वन थर्ड यानी कि 150 फैमिलीज आर ट्रीटेड लोअर क्लास फैमिलीज, दे बिलोंगिंग टू SC शेड्यूल कास्ट एंड दे आर लिविंग इन वन कॉर्नर ऑफ विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस मेड ऑफ मड स्ट्रॉ, आप पिक्चर के माध्यम से इसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर हम ये 450 फैमिलीज के बारे में देखें और उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर के बारे में हम देखें, उसको हम 450 फैमिलीज में कौन कितने में किस प्रकार के फार्मर में आते हैं, तो फिर वही वह 450 फैमिली के जो वन थर्ड हैं यानी कि 150 फैमिलीज वो मार्जिनल फार्मर्स या लैंडलेस फार्मर्स कहलाते हैं, बिकॉज दे आर दे डू नॉट हैव एनी पीसेस ऑफ लैंड, उसके पास किसी प्रकार के जमीन नहीं होते, इसलिए लैंडलेस फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स वो ट्रीट किए जाते हैं। और आउट ऑफ 450 फैमिलीज 240 फैमिलीज हैं जिसको मीडियम फार्मर्स की दर्जा दी जाती है, उसे मीडियम फार्मर्स कहे जाते हैं, क्योंकि दे आर हैविंग ए स्मॉल प्लॉट्स यानी प्लॉट्स ऑफ लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज, 2 हेक्टेयर से कम साइज के जो प्लॉट हैं उनके पास होते हैं, वो अपने जमीन पर खेती करते हैं। देखिए पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, लैंडलेस फार्मर्स जो हैं, वह दूसरों के खेती पर काम खेतों में काम करते हैं, वह फार्म लेबरर के रूप में काम करते हैं, लेकिन जो मीडियम फार्मर हैं वह अपने जो छोटे से प्लॉट उनके पास हैं उस प्लॉट पर अपना खेती करते हैं। और अबाउट 60 फैमिलीज आर ट्रीटेड एज बिग फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स, दे आर हैविंग प्लॉट ऑफ मोर देन 2 हेक्टेयर इन साइज, और ये लैंडलेस फार्मर के माध्यम से, फार्म लेबरर के माध्यम से वो खेती करवाते हैं, खेती करते हैं और उनका प्रोडक्शन जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोडक्शन का लाभ उठाते हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन इन विलेज पालमपुर, अगर हम देखें कि किस किस प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज पालमपुर में होता है, तो दो प्रकार की एक्टिविटी पालमपुर में होता है, एक होता है फार्म एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन फार्म एक्टिविटी। अब फार्म एक्टिविटी इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ द पालमपुर, बिकॉज 75% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पालमपुर इंगेज इन फार्म एक्टिविटी, सो दैट इट इज ट्रीटेड एज मेन एक्टिविटी। नॉन फार्म एक्टिविटी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी फार्म, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा में व्यक्ति वहाँ के जो काम करते हैं वो 25% ही केवल हैं, तो वहाँ नॉन फार्म एक्टिविटीज भी चलता है और उसमें 25% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पालमपुर आर इंगेज इन नॉन फार्म एक्टिविटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेट, इस पाई डायग्राम के माध्यम से बहुत चौंकाने वाली बात सामने हम रखने का प्रयास कर रहे हैं कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पिंक कलर में जो दिखाया गया है वो एरिया, चाहे दो पाई डायग्राम है और दोनों में आप देखें एक तरफ नंबर ऑफ फार्मर्स दिखाया गया, एक तरफ कल्टिवेटेड एरिया दिखाया गया है, तो पिंक पोर्शन जो है वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को रेफर करता है, डिनोट करता है, और जो ब्राउन कलर के हैं या डार्क रेड कलर के हैं वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर को डिनोट करता है। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ फार्मर्स के रूप में जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर है वो मात्र 15% है, लेकिन ये 15% मीडियम एंड लार्ज फार्मर के बीच में 55.4% कल्टिवेटेड एरिया उनका शेयर है। हाउ वंडरफुल इट इज, 85% नंबर ऑफ फार्मर्स हैं मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, उनकी संख्या 85% है, लेकिन उनके पास मात्र 44.6% कल्टिवेटेड एरिया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन पर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर एक अधिकार है मीडियम एंड लार्ज फार्मर का, और वो जो लैंडलेस फार्मर हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास एक कल्टिवेटेड एरिया का शेयर कम होने के कारण उनका एक अधिकार नहीं है, जबकि उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैं के लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो हम उसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज की बात करते हैं, और 9th स्टैंडर्ड में ये प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है और प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। तो प्रोडक्शन क्या है, अक्सर जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों को या किसी को भी पूछते हैं जो इकोनॉमिक्स की जानकार नहीं है, तो वो कह देते हैं टू प्रोड्यूस एनीथिंग फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन कर देना ही प्रोडक्शन है। लेकिन
इट इज प्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट, मैन कैन नेदर क्रिएट एनीथिंग नॉर डिस्ट्रॉय एनीथिंग, मनुष्य किसी भी चीज को न निर्माण कर सकता है न नष्ट कर सकता है। केवल ये कह देना कि किसी वस्तु का निर्माण कर देना प्रोडक्शन है वह उचित नहीं है, इसलिए इसका अप्रोप्रिएट डिफिनेशन हम देना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट यूज्ड इनटू द रिजल्टिंग आउटपुट इज नॉन एज प्रोडक्शन। हम जो कच्चे माल या जो भी इनपुट को यूज करते हैं उस इनपुट को यूज करके उनको जो कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में, ये जो प्रक्रिया है इसे प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ तक कि मार्शल ने भी एक डिफिनेशन दिया है जो कि बहुत ही चर्चित और पॉपुलर डिफिनेशन है। मार्शल ने कहा है, प्रोफेसर मार्शल ने, द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी फॉर ए कमोडिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। एक वस्तु के अंदर उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। अब ये उपयोगिता का सृजन कैसे होता है उसका तरीका अलग अलग है। देयर आर सो मेनी मेथड्स, जैसे शेप एंड साइज यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, इन सब के माध्यम से हम किसी वस्तु में उपयोगिता क्रिएट करते हैं। और मनुष्य है तभी सारी वस्तुओं की उपयोगिता है। तो हम आते हैं कंजम्पशन में। इसके बाद एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेजर जो एक पोर्शन है वो कंजम्पशन है। कंजम्पशन क्या है, व्हाट इज कंजम्पशन, यहाँ पर भी लोग कह देते हैं टू कंज्यूम एनीथिंग इज कॉल्ड कंजम्पशन, लेकिन डिफिनेशन के तौर पर इसको समझने की जरूरत है। कंजम्पशन इज ए निगेटिव प्रोडक्शन, और हम यूं कहें कि कंजम्पशन इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी। एक वस्तु के अंदर जो उपयोगिता का सृजन हुआ और उस उपयोगिता का सृजन होने के बाद उसको मैंने कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, तो ये है कंजम्पशन। ये पूरे प्रक्रिया को हम कंजम्पशन कहते हैं। उपयोगिता का सृजन होना और उसे नष्ट कर देना, ये कंजम्पशन है, उसे उपयोग कर लेना। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉन एज द डिस्ट्रीब्यूशन। हम आते हैं इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो डिपेंड करता है मनी बिगेट्स मनी पर, धन से धन कमाया जाता है। ये एक ऐसा एक्ट है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम मनी को बिजनेस में लगाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट में लगाते हैं, बैंक में रखते हैं, जिससे कि हमें अधिक से अधिक इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिले, और तो इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और एक्सचेंज है वस्तुओं का आदान प्रदान। वस्तु हम बाय यूजिंग द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यूज करके वस्तुओं का जो विनिमय करते हैं उसे हम एक्सचेंज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इस फ्लो डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे समझने से कई क्वेश्चंस का समाधान बच्चे आसानी से कर सकते हैं। जैसे फाइनल गुड्स के बारे में वो जान सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में जान सकते हैं, गुड्स किसे कहते हैं वो जान सकते हैं, सर्विसेज क्या है वो जान सकते हैं, और किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, वांट्स, ह्यूमन वांट्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यूटिलिटी, इसको आप वो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मनुष्य की आवश्यकता क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की, या तो वो वस्तु चाहेंगे या सर्विसेज चाहेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज की जब उनको आवश्यकता होती है तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रोडक्शन होता है। उस प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और पीपल, और उसके बाद कंजम्पशन होता है। जैसे कंजम्पशन होता है, सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स, और ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो जाता है। तो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। वस्तु के अंदर जो क्षमता है मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने का, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। और यहाँ पर भी देखिए दिखाया गया है कंजम्पशन को, कि प्रोडक्शन का, इसे निगेटिव प्रोडक्शन कहा जाता है कंजम्पशन को। और चूंकि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के माध्यम से। गुड्स क्या होता है, गुड्स आर टेंजेबल, दे कैन स्टोर, दे कैन सेल इन द मार्केट, बट सर्विसेज आर इनटेंजेबल, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड दे कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में। तो हम फाइनली यहाँ पर गुड के बारे में, गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में विशेष तौर पर जानने का कोशिश करेंगे। देखिए फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स आर मीन फॉर फाइनल कंजम्पशन, अल्टीमेट कंजम्पशन पर्पसेस।
इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं यूज फॉर कंजम्पशन, यानी फाइनल गुड्स जो होता है वह कंजम्पशन पर्पसेस से होता है, देयर इज नो वैल्यू एडिशन, क्योंकि हम कंज्यूम कर लेते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में वो नहीं है, दे आर आउटसाइड ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री, इसलिए देयर इज नो वैल्यू एडिशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें मिल्क परचेज बाय ए कंज्यूमर, अगर एक कंज्यूमर मिल्क परचेज करता है कंजम्पशन पर्पसेस से, वो फाइनल गुड्स है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स दे आर मिंट फॉर द रीसेल पर्पसेस। तो इसको ये चूंकि प्रोडक्शन बाउंड्री के विदिन है, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रहा है, कंटिन्यू है, इसलिए ये वैल्यू एडिशन यहाँ पर होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें कि मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, कोई दुकानदार अगर मिल्क परचेज करता है, वो बेचने के उद्देश्य से परचेज करता है, कंजम्पशन करने के उद्देश्य से नहीं कर सकता, तो जब बेचता है फिर वहाँ वैल्यू एडिशन होता है, इनकम जनरेशन होता है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स में एक और बेसिक डिफरेंस है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल गुड्स के वैल्यू को ही हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर इसे इंक्लूड करेंगे तो हम फेस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का, इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को, मनी वैल्यू को हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में इंक्लूड नहीं करते। नौ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल होगा उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, और इस फैक्टर्स के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, और ये मुख्य रूप से चार हैं। कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। लैंड, लैंड फिक्स फैक्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज, अपर सॉयल ऑफ लैंड एंड इनर सॉयल ऑफ लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स, ये सभी इसके अंदर अंतर्गत ही आते हैं। और चूंकि लैंड एक फिक्स फैक्टर है, लिमिटेड है, इमोबाइबल है एंड एस्केयर फैक्टर है, इसलिए इसको हम ये एस्केयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, और इसके बिना प्रोडक्शन संभव नहीं है। लेबर, लेबर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इंडिया जैसे कंट्री में, भारत जैसे देश में ये अबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश का, इसलिए इसको अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं। ये लेबर जो होते हैं ये मनी के लिए, अपने लिविंग के लिए काम करते हैं, अपना सर्विसेज देते हैं। लेबर स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, एजुकेटेड भी हो सकते हैं, अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं, और ये भी फैक्टर्स के लिए, इसके उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर को हम दो भाग में बांट कर यहाँ अध्ययन करेंगे, एक है फिक्स कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स इत्यादि आते हैं जो फिक्स हैं, उनसे हम कई वर्ष तक हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। फिजिकल कैपिटल भी वेरिएबल फैक्टर है और ये मैन मेड फैक्टर है, इसलिए इसे मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। क्योंकि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं 9th स्टैंडर्ड में, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे दोनों के बीच में अंतर करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो जो बताया गया पहले के स्लाइड में वही काफ़ी है, उसी से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आसानी से। तो फिक्स कैपिटल कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स, जैसा मैंने कहा, बट वर्किंग कैपिटल आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही इसे यूज कर लिया जाता है। और एग्जाम्पल है फिक्स कैपिटल का टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, एंड वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल्स एंड मनी, मनी इन हैंड। ह्यूमन कैपिटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ह्यूमन कैपिटल है, और ह्यूमन कैपिटल के अंदर एक कैपेसिटी है, इट कंबाइंस अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यही अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंबाइन करते हैं लैंड, लेबर और कैपिटल को। यहाँ पर भी एक डिफरेंसेस जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं वो है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच में डिफरेंसेस। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ए नेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, बट फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन कैपिटल हैज रिलेटिवली मोर इकोनॉमिक वैल्यूज, बट फिजिकल कैपिटल हैज रिलेटिवली लेस इकोनॉमिक वैल्यूज। ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजेबल, बट फिजिकल कैपिटल इज टेंजेबल। चूंकि ये
इनटेंजिबल टेंजिबल है, इसलिए ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट बट फिजिकल कैपिटल कैन बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट. ह्यूमन कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर. जैसे कोई एजुकेटेड व्यक्ति है उससे आप एजुकेशन अलग नहीं कर सकते, तो इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर, बट फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर. शेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन नेशनल इनकम. जी सर, इससे पहले हम सत्र में आगे बढ़े, एक छोटी सी जानकारी आप सबके लिए. हमारे पास इस सत्र में केवल 2 से 3 मिनट का समय शेष है. ओके मैडम, थैंक यू. आई कंक्लूड विद इन 2 मिनट्स. शेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इसका शेयर क्या है और उस शेयर को किस नाम से हम जानते हैं. किसी का भी जमीन अगर हम यूज करते हैं उसके बदले हम क्या देते हैं, हम रेंट देते हैं, इसलिए रेंट शेयर है लैंड का, लैंड को मिलता है रेंट. लेबर अगर हम रखते हैं, लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, इसलिए वेजेस के रूप में नेशनल इनकम में शेयर है लेबर का वेजेस. कैपिटल किसी से हम लेते हैं, अगर मान ली किसी से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, हम उसके बदले में उसे इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए शेयर कैपिटल का जो है नेशनल इनकम में उसे इंटरेस्ट कहते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन रिस्क कवर करता है, एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क कवर करता है, वह लॉसेस का और प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट जो है वह उनका पार्ट है नेशनल इनकम में, उनका शेयर है. अब इसको हम देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अगर इनकम मेथड से देखेंगे, वैसे आपके सिलेबस में इनकम मेथड है नहीं, इसलिए हम क्योंकि नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा बतलाने का प्रयास किया हूँ कि NDPFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो होता है COE प्लस OS प्लस MI. COE क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई, OS क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, और MI क्या है, मिक्स्ड इनकम. तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. और मिक्स्ड इनकम जो होता है वो इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो सिर्फ जैसे शॉपकीपर का इनकम मिक्स्ड इनकम के अंतर्गत आएगा. कोई प्राइवेट ट्यूशन कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली बेचारा, वो अगर कोई प्राइवेट ट्यूटर है तो वो इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन माना जाएगा. तो NNPFC जो नेशनल इनकम है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC, NDPFC प्लस NFIA हम जब करते हैं ये नेशनल इनकम बचाता है. और अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC के बारे में हम चर्चा करना चाहें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC में हम CFC को जब प्लस कर देंगे तो GNPFC हो जाएगा. थैंक यू मैडम. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद. और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने पालमपुर की पूरी कहानी के माध्यम से इकोनॉमिक्स के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं सोशल साइंस के, वो सभी हमारे बच्चों के लिए क्लियर कर दिए. आपका धन्यवाद. धन्यवाद मैडम. जितने भी दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम के लिए जुड़े थे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद. कहीं मत जाइएगा, बने रहिए NCERT के साथ, क्योंकि कुछ ही समय में हम वापस लौटेंगे अपने अगले सत्र को लेकर. एंड टुमारो एट द सेम टाइम वी हैव अ सेशन फॉर 1 आवर. द सेशन विल बी फॉर साइकोलॉजी एंड द टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. स्टे कनेक्टेड टू NCERT एंड कीप वॉचिंग PM eVidya चैनल्स. नमस्कार.